हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो संबोधन हुआ है, आपदा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है या अपने भाषण में जो चीज़ें कही है कि केंद्र का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, जो 31 करोड़, क्या वो स्पष्ट करेंगे जो 31 करोड़ आया है वो किसकी मदद से उन्हें मिला है, क्या वो राशि केंद्र की नहीं थी? अगर वो नहीं दे सकते तो तथ्यों सहित भारतीय जनता पार्टी इसको इन तथ्यों को देने के लिए तैयार है। और दुर्भाग्य तो ये है कि मंडी के साथ 10 महीनों में जो भेदभाव चल रहा था उसको उठाने में इनकी पार्टी की अध्यक्षा और हमारी लोकसभा की सांसद प्रतिभा सिंह वहाँ मौन बन के रही और वो मूर्ति बन के रह गई। मंडी की चाहे हम बात करें, चाहे हमारा सेटलमेंट ऑफिस था जो मंडी में खुला था उसको उन्होंने बंद करने पे उन्होंने कोई मांग जनता के सामने नहीं रखी। एसपीयू का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो दायरा कम हुआ उस विषय में कोई बात नहीं की। शिवधाम वहीं का वहीं खड़ा है जो मंडी में टूरिस्ट को, पर्यटकों को खींचने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ चल रही थी, वो वहीं का वहीं खड़ा है। और कभी कभी प्रतिभा सिंह जी के ये बयान आ जाते हैं कि अटल टनल का झूठा श्रेय लेने के लिए बयानबाजी कभी करती हैं। ये सबको मालूम है कि इसका प्रारूप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनके मित्र टशी देवा को भी उसके साथ याद करते हैं, उन्होंने रखा था और मोदी जी ने इसको अमली जामा पहनाया है। और आज पर्यटकों की जो भरमार है उसी टनल के कारण हजारों की संख्या में गाड़ी टूरिस्ट जाती हैं, तो वो मोदी जी की देन है। और प्रतिभा सिंह को जो 4 साल तो कहीं नजर नहीं आई, महिलाओं का जो 4000 करोड़ रुपए जो आज तक बनता है 1500 रुपए के हिसाब से, वो ये खुद महिलाएं हैं, इनको महिलाओं का दर्द तो समझना चाहिए। इसके बारे में इन्हीं की पार्टी की सरकार है और मैं ये दावत से कह सकता हूं कि जो इनका पिछला कार्यकलाप रहा है, जिस तरीके से ये मांगों के प्रति, जनता की जो हकूक है, जिस तरीके से लोगों को मिलने चाहिए उसको बचाने में ये विफल रही हैं और मात्र मूर्ति बन के प्रतिभा सिंह रह गई हैं। और ये तय है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और निश्चित रूप पे मंडी की जनता प्रतिभा सिंह को यहाँ से हरा के अपनी ही दम लेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।